जरा के बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि माय फैंस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से घूमने जा रहे हैं और जाते जाते आप लोगों को बताएंगे अब हम अभी कहाँ जा रहे हैं। तो पहले हम गोप्रो को हेलमेट में माउंट करके कर लेते हैं, पहले इसको लगा लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस हमारा तो हो गया, तो देखिए कैसा लग रहा है, ठीक ठाक है ना, चलेगा, ऑन कर लेते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, तो वीडियो में लाइक तक बने रही है, वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए। आवाज़ थोड़ी देर नहीं रोक सकते क्या? हम दोनों डरे ऐसा क्या एसी आएगा, हम लोग चलो 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 जब जैसे जाओ जो चलो वो भाई कहाँ हो गया क्या बोलते नहीं क्या। तो गाइस हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं, तो चारों तरफ का नज़ारा देखिए आप कितना अच्छा नज़ारा है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देखिए ये गेट है, अभी जाएंगे अंदर दिखाते हैं। काम चल रहा है सबसे तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पातिकीपुरी खतरो में पहुंच चुके हैं, और इधर आके बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये शंकरदेव की जन्मस्थान है, जो हमारा असम का जो महान धर्म प्रसारक था। तो इधर आके बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इधर एरिया पूरा का पूरा एरिया वो हिंदू धर्म का आदमी था, तब अभी सब कुछ मुस्लिम ले गया, पूरा उन लोगों ने दखल करके रखा है। तो ये खतरो जो है ना, ये इधर जो मिट्टी है वही रुका और सब सारा ले गया, तो इधर आके इसलिए बुरा लग रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को पूरा खतरों का नज़ारा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये लोगों के मुंह से सुनने वाला बात। जब दूर दूर से लोग आते हैं, लोग रात ठहरते हैं इधर इस घर में ठहरते हैं, देखिए इस घर में रहते हैं रात को। तो इधर तो हिंदू लोगों का घर नहीं है, वो पीछे जो गांव दिखाई दे रहा है सब सारा का सारा मुस्लिम लोग है, इसीलिए जब हिंदू लोग इधर आते हैं तब भगत लोग आते हैं ना तब इधर ठहरते हैं। तो अब लोगों को अभी मंदिर का नज़ारा दिखाता है, जो लोग बोलते हैं नामघर, वो नामघर दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस ये देखिए ये मेन मंदिर है, नामघर मंदिर है, मेन नामघर है, ये देखिए मेन गेट से आते हैं। गाइस ये देखिए शंकरदेव जी पहले यहाँ से पानी निकालते थे, छोटा सा कुआं है, अतिथि भी आए हैं, तो आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं। ये मेन नाम घर है, मेन मंदिर है, अंदर जाते हैं भगत लोग। तो
पुठी पर रहे। आप लोग देख रहे थे अभी भगत लोग पुथी पर रहे थे, तो अभी आप लोगों को दिखाते मंदिर का बाहर का नज़ारा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं अभी। चलिए, ये मेन गेट है, अभी चारों तरफ घूम के दिखाते हैं। भगत लोग बहुत आए हैं, दूर दूर से आए, मुरीगांव नौगांव जागी रोड बहुत दूर दूर से आए हैं। मंदिर का बाहर का नज़ारा है, दूर से आए हैं इसलिए खाना वगैरह बना रहा है इधर। देखिए बहुत भगत लोग आए हैं। तो गाइस हमारा साथ एक पार्टनर मिल गया इधर आके, तो पार्टनर को पूछते हैं यार इधर क्या क्या मंदिर में क्या क्या है और क्या भाई क्या है। अभी बोलो बोलो। अभी हम जो पातिकेबरी खतरा में है वहाँ एक बड़ा नामघर है जहाँ लोग नाम कीर्तन करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ जन प्रचलित एक कथा है जहाँ यहाँ हमारे गुरुजन सुमंत शंकरदेव के आविर्भाव हुआ था, और यहाँ उसने बचपन काल यही बिताया था और उसने व्यवहार किया था जो नाद जहाँ से वो पानी लेते थे वो यही हमारे सामने है, वो दिखाया गया है वीडियो में। अरे कुछ नहाने के लिए वगैरह कुछ काम के लिए जो एक तालाब है वो भी है यहाँ, और जहाँ वो रहते थे यहाँ घर भी है, और यह पेड़ पौधे जो प्राकृतिक एक नज़ारा है, और कुछ है अब ये भाई लोग दिखाएगा आपको। अच्छा यहाँ से 10.5 किलोमीटर आगे और भी एक खतरा है जिसका नाम है बोधरा खतरा, तो अब इससे बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है, वहाँ पे आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिए। वो अभी वो बन रहा है, वो कितने
हाँ वो तो बहुत बड़ा है, उसका जो क्या बोलता है डिजाइन है वो तो अभी नेट में मिलेगा आपको, तो बाद में आप लोग देख लीजिएगा फिर आना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, कभी बोर्डवा जाएंगे, नोवा बोर्डवा जाएंगे कभी, तो आप लोग तब वीडियो चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों को घूम के दिखाते हैं। छोटे से तालाब है, ये देखिए मंदिर के बाहर छोटे से तालाब है, एक उस है आप लोगों को जो जो दिखा पाए, ये मंदिर पे ही है। होली का दिन आते हैं तब बड़ा सा मेला होता है इधर होली के दिन। तो आज तो इतना ही था। तो गाइस हम घर पे जो जो कुछ था आप लोगों को दिखा दिया, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही था, बाय बाय।